हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग संडे। आज मैं आपको अपनी एक बहुत फेवरेट बुक के बारे में बता रही हूँ। दिस बुक हिंदी उपन्यास मायापुरी बाय शिवानी गौड़ापन। ये बहुत पुरानी बुक है। आई मीन इट्स रिटन समवेयर बेस्ड इन 60s 70s प्रॉबेबली, एंड उस टाइम की ये एक तरह से सैड लव स्टोरी है। एंड आई थिंक आई बॉट दिस बुक लॉन्ग टाइम बैक। मैंने जब इसको ख़रीदा था, आई थिंक वॉज इन न्यूयॉर्क, और मैंने जब लिया था, मैंने इंडिया से इसको शिप करवाया था, एंड आई पेड 3 times द प्राइस ऑफ दिस बुक जस्ट द शिपिंग चार्जेस। एंड फनी थिंग इज़, आई डोंट नो मेरी क्या हिस्ट्री है इस बुक के साथ, मैं जब इंडिया आई तो ये बुक गुम हो गई। एंड देन आई अगेन हंटेड दिस बुक अगेन, मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत मुश्किल से एक ट्रेन स्टेशन के बुक स्टोर पर मिली, एंड अगेन आई बॉट इट। एंड फनी थिंग इज, ये फिर गुम हो गई एक साल के अंदर। उसके बाद फिर उसको मैंने बहुत ढूंढा, और बहुत मुश्किल से मुझे बैंगलोर में फ्लिपकार्ट से मिली। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, एंड तब से ये मेरे साथ है। थैंकफुली आई हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स। बहुत सैड लव स्टोरी है। इट्स समथिंग यू कैन फील। आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आजकल के जो टीवी सीरीज होते हैं उनका बेसिक प्लॉट प्रॉब्ली यहीं से इन्होंने उठा के बना दिया। इन पर पुराने ज़माने की मोस्टली नॉवल्स अगर आप पढ़ो, हिंदी नॉवल्स, दे आर ऑल वेरी सैड काइंड ऑफ। सब में कुछ ना कुछ एक हार्ट रेंचिंग पार्ट रहता है, और इसमें भी है। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि ये उस टाइम की सोसाइटी के बारे में आपको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। उस टाइम की हाई क्लास सोसाइटी कैसे रहती थी, मंत्री हो गए और पॉलिटिशियंस एंड IAS ऑफिसर्स एंड राजा महाराजा, एंड वो किस तरीके से रहते थे। वो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग टू रीड अबाउट देम। इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि आई रिसेंटली वेंट टू नैनीताल, एंड आई वॉज एबल टू रिलेट टू ऑल दोज छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो नैनीताल के बारे में है। बिकॉज शिवानी गौड़ा पंत इज़ बेस्ड फ्रॉम नैनीताल अल्मोड़ा साइड, एंड शी ब्रिंग्स ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स इन टू हर स्टोरीज। इनफैक्ट इस बुक में उसने भीमताल एंड ऑल दीज ताल सब के बारे में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कि आई वॉज टेलिंग माई फैमिली कि हाँ ये है, यहाँ वो है, मैं लेकिन तेरे को कैसे पता, तू तो आई नहीं कभी। कि मुझे पता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इफ़ यू गेट होल्ड ऑफ दिस बुक, आई वुड सजेस्ट यू रीड इट। आई एम नॉट श्योर इफ यू विल एंजॉय इट, क्योंकि थोड़ा सा सैड है, काफ़ी सैड है, बट इट्स अ गुड पीस ऑफ राइटिंग, स्पेशली इफ यू वॉन्ट टू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन हाउ लव स्टोरीज यूज टू बी एंड हाउ द सोसाइटी यूज टू बी इन 60s and 70s। तो उसके लिए एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखता है। तो या दैट्स इट, बाय। और ये जो मेरे चेहरे पे चमक रहा है, ये पसीना है, इट्स नॉट कूलर। बहुत ज़्यादा ऑयल एंड पसीना। मैंने एक रील भी बनाई थी इस चीज़ को लेकर, ऑयली लोगों की स्किन नेचुरल हाईलाइटर बन जाती है गर्मियों में। बाय।